खबर में आप सभी का स्वागत है और इस वक्त हूं मैं मौजूद NIT के पटना घाट पर। पटना में इस वक्त हम भ्रमण कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ माहौल है। पटना के NIT घाट पर इस वक्त मौजूद है। पटना के NIT घाट पर इस वक्त बहुत ही शानदार तरीके से माहौल बना हुआ है। समझिए कि मनमोहक दृश्य है इस वक्त और जो हवा चल रही है वो काफ़ी शानदार चल रही है। यहाँ पर कुछ लोगों से हम बात करेंगे रैंडमली कि यहाँ पर पटना में क्या माहौल है और किसकी लहर चल रही है, क्या कुछ लोग सोच रहे हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब? आशीष कुमार। क्या लग रहा है, 1 तारीख को चुनाव होने वाला है पटना में, कहाँ से बिलोंग करते हो आप? बख्तियारपुर। अच्छा, क्या माहौल है, क्या लग रहा है देश में, सब कुछ कैसा चल रहा है? कुछ तो ठीक वैसा चल नहीं रहा है और पता नहीं इस बार 400 पार होगा कि नहीं होगा। तो जो मोदी जी कह रहे थे 400 पार का नारा, तो वो कैसा है, युवाओं के बीच में कैसा संदेश जा रहा है कि क्या लग रहा है कि युवा क्या सोच रहे हैं इसको लेकर? इस बार तो हो सकता है 400 पार, अगली बार का कोई गारंटी नहीं। इस बार हो सकता है 400 पार? 400 पार नहीं हो सकता है, लेकिन बीजेपी राज कर सकती है, सरकार बना सकती है। अच्छा, मोदी जी वापसी कर सकते हैं। और क्या लग रहा है कि देश में सब कुछ सही चल रहा है या कुछ गड़बड़ चल रहा है? इसका तो उतना आइडिया नहीं है हमको। क्या चल रहा है क्या नहीं, खबर वबर नहीं देखते हो? वो तो जो है वो सब अंदर का बात है भैया, अंदर में क्या चलता है क्या नहीं चलता है हम लोग तो जानते नहीं है। अच्छा, मोदी जी राहुल जी खाली ऊपर से दिखता है कि अच्छा ये हो रहा है ये हो रहा है। मोदी जी के राहुल जी है इस बार, क्या लग रहा है फिर मोदी जी? अच्छा, क्या नाम है सर आपका? संजय कुमार। क्या लग रहा है इस बार कौन आ रहा है? इस बार चेंज होगा। हाँ, चेंज होना चाहिए, परिवर्तन होगा, होना ही चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है परिवर्तन होगा? 10 सालों से मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? बेरोजगारी का आलम बहुत ज्यादा हो गया है। 10 साल में कोई वैकेंसी अभी तक नहीं आया है। तो रोजगार का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है। 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे मोदी जी को अगर देना चाहें तो? 10 में से कितना नंबर मोदी जी को देना चाहें? 50-50। तो राहुल गांधी का क्या लगता है इस बार हो पाएगा कुछ? देखिए, सरकार तो बनेगी नहीं की मोदी जी की सरकार, मोदी जी की बनेगी, बनाएंगे ही सरकार। पर 400 का जो आंकड़ा कहा जा रहा है, 400 नहीं है, कितना लग रहा है आपको? लगभग 250 तक। चलिए और भी भाई साहब, आप तो भाग गए थे आगे, क्या नाम है आपका? अनुपम गुप्ता। क्या लग रहा है युवा होने के नाते, क्या मुद्दे हैं इस बार? बेरोजगार महंगाई से मुद्दा है इस बार कुछ? हाँ, वो तो बार बार कह रहा था, उसमें तो कोई यहाँ जो है तेजस्वी जी वो कह रहे हैं जो 17 साल में नहीं हुआ, 17 महीने में हुआ हुआ है हुआ, ऐसा तो कुछ नहीं नजर आ रहा। 5 लाख लोगों को नौकरी दिया है। हाँ, वो टीचर का निकाल है, बट जो भी टीचर्स अपॉइंट हुए उनका तो कुछ तो लगता नहीं है, जो भी टीचर बनने लायक था तो। क्यों, BPSC ने लिया है ना? हाँ लिया है। इस बार क्या लग रहा है, मोदी जी के राहुल जी आ रहे हैं? हाँ तो रहे हैं मोदी जी, मोदी जी आ रहे हैं। हाँ वो तो मोदी जी आ रहे हैं। मतलब युवा होने के नाते क्या लगता है कि मोदी जी ठीक ठाक देश चला रहे हैं या राहुल गांधी के हाथ में सत्ता कमान सौंपनी चाहिए? नहीं, सर कमान तो मोदी जी के हाथ में रहना चाहिए। अच्छा, और बात रहा युवाओं का, तो मोदी जी को थोड़ा इस पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो जिस पे भी थोड़ा पीछे ही है युवाओं को लेकर, मतलब कि रोजगार। हाँ, रोजगार बेसिकली यूथ के लिए तो वही है ना, आत्मनिर्भर भारत। सब अपनी जगह ठीक है, बट बिहार का वो अगर देखें, मोदी जी जीतने वाले हैं अब की बार 400 पार फिर से। क्या नाम होगा, नाम बता दें। मेरा नाम है शिवम चौरसिया। अच्छा चौरसिया जी, क्या है मतलब? बिलोंग फ्रॉम रोहतास जिला डिस्ट्रिक्ट। रोहतास में तो होने वाला है काराकाट में चुनाव। हाँ, किसका वहाँ पल रहा भारी लग रहा है, पवन सिंह कुछ? नहीं नहीं, गड़बड़ा देंगे मामला उनका, बस हवा का झोंका है बस। जो एक बार आता है चल जाता है वहाँ से, तो उपेंद्र कुशवाहा। अरे बहुत सपोर्ट मिल रहा है उनको लग रहा है। हाँ, सपोर्ट उन सब युवा लोग का है बस, जो उनका फैन है। वोट में तब्दील नहीं होगा, जिनका अभी तक वोटर आईडी नहीं है वो सब का है। अच्छा, क्या है इस बार वैसे बिहार में, और मोदी जी खूब दौरा कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं? तो हम लोग भी गए थे, आए थे यहाँ पे डिहरी में, हवाई अड्डे में सुबह तो गए थे वहाँ पे। ठीक ठाक चल रहा है देश में सब कुछ? हाँ सब ठीक है, सब ठीक। हाँ, बेरोजगारी महंगाई से मुद्दा है? नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं है बेरोजगार।